हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सिंटैक्स ऑफ नाउन का पार्ट टू। और इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन के बहुत से रूल्स बताए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट रूल है कि यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी नन ऑफ या फिर वन ऑफ या फिर ईच ऑफ या फिर ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ। तो फ्रेंड्स, हमारे सेंटेंस में इनमें से अगर कुछ भी आया होगा तो इसके बाद हमेशा हमें एक प्लूरल नाउन का यूज़ करना होता है। तो ये बात हमें याद रखना है फ्रेंड्स, कि जब भी वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज होगा तो इसके बाद हमेशा ही हमें एक प्लूरल नाउन का यूज करना होगा, अगर वो एक काउंटेबल नाउन है तो। तो फ्रेंड्स, इन सभी के साथ हमें एक प्लूरल नाउन का यूज़ करना होगा। बट ये सभी, इसके साथ हम भले एक प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, बट ये कुल मिला के एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। ये भी बात हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। बट आज के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जब भी हम नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज किसी भी सेंटेंस में देखेंगे, इसके बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आना चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड एरर आपको दिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स हमें ये बात याद रखना है। तो अब इसका कुछ एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, नन ऑफ द बॉय इन दिस क्लास, नन ऑफ द बॉय इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें एरर दिया जाता है सेंटेंसेस में, जैसे है नन ऑफ द बॉय इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, अर्थात इस क्लास में कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए तो नन ऑफ का यूज यहाँ पे हुआ है और इसके साथ द बॉय का यूज हुआ है, नन ऑफ द बॉय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए तो बॉय एक सिंगुलर नाउन है, बट हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी नन ऑफ का यूज होगा तो इसके बाद एक प्लूरल नाउन होना चाहिए, अर्थात हम क्या करेंगे, इसमें बॉय में एस ऐड करेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, कि नन ऑफ द बॉयज इन दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से हमें याद रखना होगा फ्रेंड्स, इसमें इन सभी के साथ एक सिंगुलर नाउन का यूज करके दिया जाता है सेंटेंसेस में, जिसे हमें करेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, उस सिंगुलर नाउन के स्थान पर हमें प्लूरल नाउन का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी रूल्स मैं इस तरह से इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक नोट्स भी तैयार कर सकें। अगर आप इन सभी का नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 12th क्लास में हैं तो उसमें भी सिंटैक्स के ये सभी रूल होते हैं। तो आप सभी इसका नोट ज़रूर तैयार कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो ये हमारा आज का फर्स्ट रूल था फ्रेंड्स, कि जब भी नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज हुआ रहेगा तो इसके बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आना चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन। फ्रेंड्स, अगर इसे हमें करेक्ट करना हुआ तो हम देखेंगे यहाँ पे ईच ऑफ का यूज हुआ है और इसके बाद जो नाउन आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया, अर्थात यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। बट इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्ब जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हैव का यूज हुआ जो कि एक प्लूरल वर्ब है, और हमने आपको बताया कि इनमें से सभी के साथ एक प्लूरल नाउन भले यूज होता है बट ये कुल मिला के एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हैव को हटाएंगे और इसके स्थान पे हैज़ का यूज करेंगे। इस प्रकार से भी एरर हमें दिया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द बुक इज यूजफुल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें नीदर ऑफ का यूज हुआ है बट इसके साथ जो नाउन आया हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है, और हमारा रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जब भी नीदर ऑफ का यूज होगा तो इसके बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, बुक के स्थान पे बुक्स करेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट रूल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, अगर कहीं पे मोस्ट ऑफ द का यूज हुआ रहे
मोस्ट ऑफ द या फिर ऑल ऑफ द का यूज हुआ हो, ऑल ऑफ द का यूज अगर हुआ हो या फिर एनी ऑफ द का यूज हुआ हो, एनी ऑफ द। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही रूल है, सेम रूल है कि यदि इनमें से कोई भी यूज हुआ हो, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द या फिर एनी ऑफ द, तो इनके साथ भी अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। बट अगर अनकाउंटेबल है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन्स भी आ सकते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द इनके साथ। तो फ्रेंड्स इनमें कहने का ये मतलब है कि इसमें मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द इनके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। अर्थात अगर काउंटेबल नाउन होगा तो मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द के बाद प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन लिखेंगे, और अगर अनकाउंटेबल होगा तो उसको भी हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एनी ऑफ द का यूज हम करते हैं केवल काउंटेबल नाउन के साथ, और इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज हम करेंगे। और फ्रेंड्स इनको मैंने उस रूल से अलग क्यों रखा है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसके पहले जो हमने आपको बताया वन ऑफ, नन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सभी के साथ जो प्लूरल नाउन लगता था वो कुल मिला के एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता था। बट इसमें मोस्ट ऑफ द या फिर ऑल ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है। अगर वो प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन माय क्लास आर केयरलेस, अर्थात मेरे क्लास में अधिकतर बच्चे लापरवाह हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द का यूज हुआ है, बट इसके साथ जो नाउन आया हुआ है फ्रेंड्स स्टूडेंट, ये देखा जाए तो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। और स्टूडेंट की अगर बात करें तो ये काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट में एस ऐड करेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। बट अगर इसके साथ कोई एक अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ऑल ऑफ द टीचर्स इन माई स्कूल आर गुड, अर्थात मेरे स्कूल में जितने भी टीचर हैं वे सभी अच्छे हैं। ऑल ऑफ द टीचर्स इन माई स्कूल आर गुड। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑल ऑफ द के बाद जो नाउन आया हुआ है टीचर्स, ये प्लूरल फॉर्म में आया है क्योंकि एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और इसके साथ आर का भी यूज हुआ है तो इसके वर्ब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल ऑफ द टीचर्स इन माई स्कूल आर गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि यू कैन परचेज एनी ऑफ द बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनी ऑफ के साथ एक सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। अगर एनी ऑफ का यूज हुआ रहे तो उसके बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक्स कर देंगे कि यू कैन परचेज एनी ऑफ द बुक्स, अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड रूल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि जो कंपाउंड नाउन होते हैं इसको जब हमें प्लूरल बनाना हो तो हम इसका जो रूट वर्ड होगा केवल उसी का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। और कंपाउंड नाउन होता क्या है, जो एक से अधिक वर्ड्स को मिला के बने होते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड का प्लूरल लिखते हैं, ये हमारा रूल है कि जितने भी कंपाउंड नाउन होंगे तो उसका जब हमें प्लूरल फॉर्म लिखना होगा तो उसमें हमें देखना होगा कि इसका रूट वर्ड क्या है, तो हमें केवल उसी रूट वर्ड का ही प्लूरल फॉर्म लिखना है। और इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको कुछ बताया, जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि सन इन लॉ, स्टेप सन, सन इन ला से हो गया सन इन ला, डॉटर इन ला, ब्रदर इन ला, मदर इन ला, ये सब इसी में आ गया। स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये सब इसमें आ गया। स्टेप मॉम, स्टेप फादर, ये हो गया। चीफ मिनिस्टर जैसा कि है, मेड सर्वेंट, गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, ये सब जो ऐसे वर्ड्स हैं इसका हम प्लूरल फॉर्म देख लेते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो अगर सन इन लॉ की बात की जाए तो इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है, इसमें रूट वर्ड क्या है, सन। तो इसका जब हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ना कि इसे हम लिखेंगे सन इन लॉज। यहाँ पे हमें सन इन लॉज नहीं लिखना होगा बल्कि हमें केवल इसके रूट वर्ड का प्लूरल फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाएगा सन्स इन लॉ, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा।
उसी तरह से ब्रदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे बात की गई कि स्टेपसन, स्टेपसन में रूट वर्ड हमारा क्या है, रूट वर्ड है इसमें सन, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेपसन्स, स्टेपसन का प्लूरल हो जाएगा स्टेपसन्स। इसी प्रकार चीफ मिनिस्टर, इसमें रूट वर्ड हमारा क्या है, मिनिस्टर, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर हमें मिनिस्टर का केवल प्लूरल लिखना होगा, हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है मेड सर्वेंट, तो इसमें अगर रूट वर्ड की बात की जाए तो इसमें रूट वर्ड है सर्वेंट, तो जब हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। यहाँ पे हमें सर्वेंट्स लिखना होगा, मेड सर्वेंट्स। उसी प्रकार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड में हमारा रूट वर्ड क्या है, फ्रेंड, और बॉयफ्रेंड में भी हमारा रूट वर्ड है फ्रेंड, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, या फिर बॉय फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, या फिर बॉय फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट रूल था कि यदि कोई कंपाउंड नाउन होगा उसका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना हुआ तो हम केवल उसका जो रूट वर्ड होगा उसी का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये वास्तव में उसी रूल का एक एक्सेप्शन है कि अगर इस कोई भी कंपाउंड नाउन मैन तथा वुमेन से बने होते हैं, कोई भी कंपाउंड नाउन अगर मैन या फिर वुमेन से बने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म लिखते समय दोनों ही पार्ट्स का प्लूरल हमें लिखना होता है। ये हमारा रूल है फ्रेंड्स कि कोई भी कंपाउंड नाउन अगर मैन या वुमेन से बने हुए हैं तो उसका जब हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो हमें उसके दोनों पार्ट्स का ही प्लूरल लिखना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा कि मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का अगर हमें प्लूरल फॉर्म लिखना होगा तो हम लिखेंगे मैन, पहले मैन का हमें प्लूरल लिखना होगा मैन, और सर्वेंट का भी हम प्लूरल लिखेंगे सर्वेंट्स, अर्थात इसके दोनों ही पार्ट्स का प्लूरल फॉर्म हमें लिखना होगा। मैन सर्वेंट का प्लूरल होगा मैन सर्वेंट्स, उसी प्रकार मैन टीचर का प्लूरल क्या होगा, मैन टीचर्स, मैन टीचर्स, तो इसमें मैन का भी प्लूरल और टीचर का भी प्लूरल, दोनों का प्लूरल लिखा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर को हम प्लूरल बनाएंगे तो पहले वुमेन का हमें प्लूरल फॉर्म लिखना होगा वीमेन, वीमेन, और इसके बाद डॉक्टर का भी हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे डॉक्टर्स, अर्थात वीमेन डॉक्टर्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वुमेन एडवोकेट, इसका जब हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो पहले वुमेन का हमें लिखना होगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वीमेन, और एडवोकेट का भी प्लूरल लिखेंगे एडवोकेट्स। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हमें याद रखना है कि जब भी कोई भी कंपाउंड नाउन मैन तथा वुमेन से मिलकर बने होंगे तो जब उसका हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो उसका जो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट का हमें प्लूरल फॉर्म लिखना होगा। बट यहाँ भी, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स कि जब भी यहाँ पे मैन या फिर वुमेन के साथ लवर या फिर हेटर आ जाएगा, मैन के साथ या फिर वुमेन के साथ, जैसे आगे मैन लवर, मैन लवर, या फिर वुमेन हेटर, इस प्रकार से अगर आ गया, इसमें लवर या हेटर की अगर बात हो, मैन लवर या फिर वुमेन लवर, मैन हेटर या फिर वुमेन हेटर, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें केवल इस लवर या फिर हेटर का ही हमें प्लूरल फॉर्म लिखना होगा, मैन या वुमेन का हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो मैन लवर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मैन लवर्स, मैन लवर्स, और वुमेन हेटर का प्लूरल फॉर्म होगा वुमेन हेटर्स। तो फ्रेंड्स ये इसका एक्सेप्शन था कि जब भी मैन या फिर वुमेन के साथ लवर या फिर हेटर आ जाएगा तो उसमें हम मैन या फिर वुमेन का प्लूरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, केवल लवर या फिर हेटर का हमें प्लूरल फॉर्म लिखना होगा। और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैन लवर का मतलब क्या है कि वन हु लव्स, वन हु लव्स मैन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या फिर एफ ई आता है,
इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ़ को हटाते हैं और इसके स्थान पे वी ई एस का यूज़ करते हैं। ये रूल आपको पता होगा फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे लाइफ है तो लाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, इसमें से एफ ई को हटाएंगे और इसके स्थान पे वी ई एस ऐड करेंगे। उसी तरह से नाइफ है तो के एन आई एफ ई को हटाएंगे, इसके जगह पे वी ई एस ऐड होगा। वाइफ है तो डब्ल्यू आई और एफ ई को हटाएंगे, यहाँ पे वी ई एस यूज करेंगे। लीफ है तो इसमें एल ई ए लिख देंगे और एफ हटाएंगे, इसके स्थान पे वी ई एस लिखेंगे। थीव है तो इसका थीव्स हो जाएगा, और अगर लोफ है तो लोफ का लोफ्स हो जाता है, और उसी तरह से अगर वोफ है तो इसका वोफ्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रूल आप सभी को पता होगा कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या फिर एफ ई आता है तो उस एफ या एफ ई को हटाते हैं और उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके स्थान पर वी ई एस ऐड करते हैं। बट यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो इतने वर्ड्स लिखे हैं जिसमें लास्ट में एफ या एफ ई तो आया हुआ है, बट इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें वी ई एस ऐड नहीं करते हैं, बल्कि इसी में सीधे एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे चीफ है तो चीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, चीफ का प्लूरल चीप्स होगा, इसमें एस ऐड कर देंगे केवल। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिफ है तो क्लिफ में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें केवल एस ऐड कर देना है। कैफ़े है तो कैफ़े का प्लूरल अगर लिखना होगा तो यहाँ भी हम केवल एस ऐड कर देंगे। बिलीफ है तो बिलीफ का प्लूरल अगर हमें लिखना है तो हम इसमें भी केवल एस ऐड कर देते हैं, इसमें एफ को हटा के वी ई एस ऐड नहीं करते हैं। और प्रूफ है तो प्रूफ का भी प्लूरल प्रूफ्स हो जाता है, इसमें भी हम वी ई एस नहीं लिखते हैं। तो टर्फ का भी प्लूरल टर्फ्स हो जाता है, रूफ का प्लूरल रूफ्स हो जाता है, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा। इसमें केवल हमें एस ऐड करते जाना है, इसमें एफ को हटा के वी ई एस नहीं लिखना है। ग्रीफ है तो इसका ग्रीफ्स हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें वी ई कर देते हैं तो ये एक वर्ब का काम करता है, बट ग्रीफ यहाँ पे एक नाउन है तो इसका प्लूरल ग्रीफ्स ही होता है। सेफ का मतलब तिजोरी है तो इसका सेफ्स हो जाता है, इसमें भी एस हम ऐड कर देते हैं। स्ट्राइफ मुसीबत वाला है तो यहाँ भी हम स्ट्राइप्स कर देंगे। अर्थात ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एफ़ को हटा के वी ई एस ऐड नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि जो सीनरी वर्ड है, सीनरी और पोएट्री, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं फ्रेंड्स। इससे भी कई बार एरर पूछा जाता है, और किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसके पहले या तो ए एन का यूज़ कर दिया जाता है या फिर इसका हम कोई प्लूरल फॉर्म यूज़ कर देते हैं, पोएट्री का पोएट्रीज कर दें, अगर सीनरीज कर दें तो ये यहाँ पे एरर हो जाता है। इस टाइप के एरर हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सीन की बात करें तो सीन एक काउंटेबल नाउन है, बट सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम याद रखेंगे कि सीनरी और पोएट्री ये दो ऐसे नाउन हैं जिनके जो अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो हम ए एन का यूज कर सकते हैं और ना तो इसका हम कोई प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें एस ई एस भी ऐड नहीं कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी, यहां पे आर का यूज अगर कर दिया जाए, आर वेरी ब्यूटिफुल। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटिफुल, तो फ्रेंड्स इसमें क्या किया गया है कि सीनरी का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखा गया है, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका हम प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि इस सीनरी का जो प्लूरल फॉर्म लिख दिया गया है इसका हमें सिंगुलर फॉर्म लिखना है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे जो वर्ब आर का यूज़ किया गया है, जैसे कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया जाता है कि जब भी ऑफ का यूज़ किया गया होता है तो इसके साथ जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं वो ऑफ के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ के पहले आए हुआ है सीनरी, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है अर्थात सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे इज का यूज़ हमें करना होगा। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि सीनरी वर्ड अनकाउंटेबल होता है। इसी प्रकार से पोएट्री से भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं,
और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, जो कि है दिस इज अ नाइस पोएट्री. दिस इज अ नाइस पोएट्री. यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो पोएट्री के साथ अ का यूज किया गया है, तो यहाँ भी एरर है. तो हमें करना क्या है, हम पोएट्री के साथ ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं. अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब पोएम से है कि यह एक अच्छा पोएम है, पोएट्री नहीं. अच्छा मतलब पोएट्री की बात यहाँ पे नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे वो कहना चाहता है कि यह एक अच्छा पोएम है, अच्छी कविता है. तो हमें ये लिखना होगा कि दिस इज अ नाइस पोएम. हमें पोएट्री नहीं लिखना है, बल्कि पोएट्री के स्थान पे पोएम का यूज करना है. अब ऐसा हम कर सकते हैं कि दिस इज अ नाइस पीस ऑफ पोएट्री. पीस ऑफ पोएट्री ऐसा लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे हम दिस इज अ नाइस पोएट्री ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं. तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, इसे नोट कर लीजिएगा. तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने नाउन से रिलेटेड जितने भी सिंटैक्स के रूल हैं आपको बताने की कोशिश की है इन सभी वीडियोज़ में, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और फ्रेंड्स अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा. और फ्रेंड्स मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, इसे आप सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं. तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.